नमस्कार, मैं हूँ हरिशंकर तिवारी और इस समय मैं महसी विधानसभा क्षेत्र में हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं इस चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी के जो चरित्र है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो वो क्षेत्र में कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अलसुबह मैं आज पहुंचा हूं गुंजेश्वर साहू जी, जिनको मैं आज चौथी बार आपको रूबरू करवा रहा हूं। पहली बार क्षेत्र में करवाया था सत्तर कटैया में, दूसरी बार आपको इनको सहरसा में नॉमिनेशन के बाद, और तीसरी बार फिर क्षेत्र में ही करवाया। चौथी बार आज सुबह सुबह आप देख रहे हैं कि धोती कुर्ता पहने हुए बिल्कुल मुख्यमंत्री के सगे भाई की तरह ये लग रहे हैं। और जहाँ भी लोग जाते हैं, इनके जो समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि इस बार ये मंत्री ज़रूर बनेंगे। मेरे शुभकामना है इनको नवरात्रि की, और स्वागत है आपका। सर, कहाँ कहाँ आप चुनावी दौरा? महसी प्रखंड तकमन जाकर लगभग बाप उसमें गाड़ा पंचायत है, उसमें लगभग 9 पंचायत कर चुके हैं। तकमन के बाहर महसी का और फिर नवटा का लगभग हम 7 पंचायत कर चुके हैं। और सत्तर कटिया हम एक बार पहले सब जगह घूम चुके हैं, लेकिन दंडित घोषित होने के बाद नहीं घूमे हैं। आज से वहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपको पहले भी मैंने क्षेत्र में दिखाया कि जब सारे नेता लोग पटना में विभिन्न पार्टियों के, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, होता है, टिकट के लिए मारामारी कर रहे थे, उस समय में ये क्षेत्र में घूम रहे थे। और इसी पर मैंने पूछा था कि क्या आपको लगता है कि टिकट मिल ही जाएगी, तो कितना आश्वस्त हुए हैं आप क्षेत्र में घूम के? हमको कोई समस्या नहीं है, आम जनता मेरे साथ, हमको सब जनता का आशीर्वाद करा। कुल मिलाकर के जिस तरह की जातिवादी समीकरण है, और लेकिन आपका जिस तरह से वो रज्जाक आए हैं, तो उसको लेकर के आप क्या समझते हैं? वो उम्र भी लेकिन हमको उस समाज का भी बहुत अधिक मिलेगा। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? नवरात्र का अवसर है, हम पूरे बिहार के पूरे देश के लोगों की शुभकामना करते हैं। आम जनता की जीवन में खुशहाली है, वो हर्षोल्लास से जिए, यही हमारी कामना। बहुत बहुत धन्यवाद।